भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडा अपना रही है जो आचार संहिता में और प्रजातंत्र में इसकी अनुमति नहीं है। पहले चुनाव आयोग पर दबाव, चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई, वो पहली बार ये इस तरह से फैसला हुआ है ताकि प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार वोटरों को प्रभावित करने के लिए हर तरह की चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, बांट रहे हैं सरकारी खजाने से, दूसरी तरफ बेईमानी इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से प्रलोभन दे के रिश्वत देने का इन्होंने प्रयास किया है, वो निंदनीय है। इससे बेनकाब हो गई है भारतीय जनता पार्टी और ये भी सामने आ गया है कि वो हर तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं केवल चुनाव जीतने के लिए, और उनके पांव के नीचे ज़मीन कांप रही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के। पहली बार गुजरात में वो हड़बड़ा गए हैं, इसीलिए ये हो रहा है। तो ये आपको लगता है कि हिमाचल में भी ऐसा कर पाएंगे इधर? देखिए, ये हर जगह पे प्रयास करेंगे, हर जगह पे प्रयास करेंगे। इनके पास भरपूर साधन है, एक प्रचंड प्रचार तंत्र है, इतना पैसा बीजेपी के पास है जो भारत के इतिहास में कभी तमाम राजनीतिक दलों को मिलाकर उनके पास कभी किसी चुनाव में नहीं हुआ। और यही प्रश्न उठता है कि एक प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, वो भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल करते हैं, उनका दल वो भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल करता है, और ये पैसा कहाँ का है, किसका पैसा है बीजेपी के पास जिसको वो इस्तेमाल करते हैं चुनाव में?